कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार पीएम मोदी कश्मीर दौरे पर हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान की सेना और सरकार का बुरा हाल है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने तो अब ये साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को अब ये मान लेना चाहिए कि कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथ से गया। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने कहा कि भारत कश्मीर पर संवैधानिक, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि पहले भारत ने 370 को हटाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही करार दिया और अब पूरी दुनिया में भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट तरीके से रख दिया है। आपको बताएं तो कश्मीर में न केवल यूरोपीय देशों ने निवेश किया है, बल्कि अब से कुछ महीने पहले ही मुस्लिम देश यूएई ने कश्मीर में एक बड़े निवेश का ऐलान किया है। यही वजह है कि कश्मीर में हार का जिम्मेदार पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने मुस्लिम देशों को भी माना है। कमर चीमा ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देश चुप है, ओआईसी शांत है। 370 हटने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हमने विरोध किया तो उन्होंने माफी हमसे मंगवा ली। आपको बताएं तो बीते कुछ सालों में पीओके के एक बड़े इलाके गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग तेज हुई है। पीओके के कई इलाकों में पाकिस्तान और वहां की सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई हजारों प्रदर्शनकारियों को या तो गायब कर चुकी है या फिर उनको मौत के घाट उतार चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के कश्मीर में हजारों करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। युवाओं को नौकरी और शिक्षा से लेकर जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए भी भारत तेजी से काम कर रहा है। ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने कहा कि भारत में जो कश्मीरी रहते हैं अब वो जानते हैं कि उनका फायदा इंडिया के साथ रहने में ही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी जानते हैं कि भारत के साथ रहने पर उनका फायदा है, भारत की दुनिया में इज्जत है, तो यही वजह है कि वो उनके साथ रहना चाहेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों के कश्मीर में विकास का काफी बड़ा गैप है। कमर शीमा ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो हमसे खुश नहीं है क्योंकि उन्हें जो ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो सके हैं। वो खुद हमारे हालात देखकर सोचते हैं कि आखिर पाकिस्तान हमारा क्या ही भला कर सकता है। पाकिस्तानियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कश्मीर मुद्दे को आज पश्चिमी देश भूल चुके हैं। वो भारत के साथ खड़े हैं क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा उन्हें चीन के खिलाफ एक ताकत बनानी है जो भारत कर सकता है। यही कारण है कि पश्चिमी देश पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। पीएम मोदी के आज कश्मीर दौरे के बाद ना केवल कश्मीर के लोगों को ताकत मिली है, बल्कि एक के बाद एक कई परियोजनाओं की शुरुआत से कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।